राजू भाई नमस्ते। नमस्ते। गुजरात किसान क्या बोल रहा है, राजू भाई को कितना पसंद कर रहा है, ये तो हमें पता चल गया है। किसान पाठशाला में राजू भाई गुजरात में बनाना में गाइडलाइंस दे रहे हैं। राजू भाई हम कहाँ पर हैं? हम अभी संखेड़ा आखा खेड़ा गांव में हैं। ओके, राजू भाई मैं जिस प्लॉट पे अभी आया हूँ यहाँ, खैर ये किसान की एक खासियत है कि हम ये नहीं चाहते कि किस कंपनी का पौधा है या कौन फार्मर है। अगर हमें बुलाया है तो हम पहुंचते हैं गाइडलाइंस के लिए। ये प्लॉट में मुझे काफी कुछ विकृतियां दिख रही है। जैसे उदाहरण में बतलाऊं तो अभी फल आया है फ्लावरिंग पर और अभी माल भी कट गया है। कितना बड़ा गैप है, बहुत सारा, बहुत ज्यादा। मतलब माल भी कट रहा है और फल भी आ रहा है, शूटिंग भी अभी चालू। और ऐसा नहीं कि एक ही पौधे में, अनेक पौधों में मुझे दिख रहा है कि अभी फ्लावरिंग आ रही है और अनेक पौधों में माल कट रहा है। काफी अच्छी मेहनत है, बर्ड इंजेक्शन लगा रहे हैं, फ्रूट केयर कर रहे हैं। फ्रूट केयर में मुझे दिख रहा है कि कमल भी साफ कर रहे हैं, बट वेरिएशन बहुत है। ये वेरिएशन खत्म करने के लिए ही बी किसान ग्रुप ने जो सिंगल साइकिल चार साइकिल के बनाना पर काम किया है उसके लिए वर्ल्ड में पैटेंट ले रखा है। अभी इस सत्र से 2023 में बी किसान ग्रुप के पास टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी का पैटेंट आ चुका है। अब उस पर हम फार्मरों को जो टिश्यू कल्चर आने वाले समय में देने वाले हैं उसमें ये वेरिएशन वाली चीजें, कम उत्पादन वाली चीजें सारी खत्म होने वाली है। अगर हम इस बंच को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो समझ में आएगा। राजू भाई ये मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि किस कंपनी का पौधा है, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पर दिखाएंगे तो माल कट चुका है, ये पेड़ का माल कटा है। आप थोड़ा पीछे से दिखाएंगे, ये पेड़ का माल कटा है और इसका फल आया है। बहुत डिफरेंट है, बहुत वेरिएशन है। अगर इस तरह के प्लॉट हम खर्चा करके बनाएंगे, डबल ड्रिप 5x7 पर है ना, ये पौधे से पौधा 5 है और लाइन से लाइन 7 है। सबसे गलत ग्राफ है जहां तक मैंने मेरा रिसर्च किया है। तो आई थिंक आप लोग भी इस फील्ड पर खड़े हो तो सीखने की जरूरत है। कौन किसान है और किस कंपनी का पौधा है उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बट यहां से हमें कुछ लर्निंग लेकर जाना है, कुछ सीखना है। जो मैं बोलता हूं कि लाइन से लाइन 5 करो, पौधे से पौधा 7 करो, यहाँ पर उल्टा है। काफी सारे फार्मर मुझे पूछते हैं कि बलराम भाई जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो बोलते हैं 7x5 पर लगाओ, तो मैं एक्सपोर्ट की ही फील्ड पर हूँ। बीआई कर रखा है, इंजेक्शन लगाया है, पंजे कम किए हैं, फूल साफ किए हैं, बंच कवर है, एक्सपोर्ट की ही फील्ड पर हूँ, बट विकृति देखो, इधर फल आ रहा है, फ्लावरिंग आ रही है और इस पौधे पर माल कट रहा है। तो 90 दिन का फर्क है वेरिएशन का, ज्यादा है। तो टिश्यू कल्चर कम साइकिल का लीजिए, सबसे पहली बात जो केवल बी किसान ग्रुप के पास है। दूसरा, गाइडलाइन सही चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राजू भाई, तो डबल ड्रिप पौधे से पौधा 5, तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, मनोज टेप है आपके पास, ये पौधा तने की मोटाई, इस पौधे की तने की मोटाई, इस पौधे की तने की मोटाई, जब पौधा पास पास में रहता है तो तने की मोटाई में फर्क आता है। इसको चाहिए, केले को सराउंड ग्राफ चाहिए। हर पौधा तने की अलग मोटाई लेकर आया है। अगर हम यहां से बात करें तो ये पौधे की तने की मोटाई आपको मिलेगी लगभग 30 से 32-35 इंच की और इसकी तने की मोटाई मिलेगी आपको 28 इंच की। फर्क समझ में आ रहा है, दिख रहा है? तना बहुत बड़ा है लेकिन अभी फ्लावरिंग नहीं आया। अब एक और पास में बात देखो तो अभी तो फ्लावरिंग ही नहीं आया इसका तना, और उसमें भी है 35 का है उसमें। ये कौन से टिश्यू कल्चर का हम पौधा ले रहे हैं और ग्राफ क्या लगा रहे हैं, दोनों मायने रखेंगे। अगर हमने पौधे से पौधे को पास में लगाया है, लाइन से लाइन हम पास में कर सकते हैं, दोनों बातों में फर्क है। फिर आप वीडियो देखकर बोलोगे बलराम क्या गाइड कर रहा है। पौधे से पौधे को पास में लगाया तो विकृति आएगी, मोटा मोटा, पतला पतला पतला, फिर मोटा,
ऐसे उंगलियों जैसे पतला मोटा मोटा पतला मोटा ऐसा आएगा, क्योंकि पौधा चलते समय एक दूसरे में पत्ते ओवरलैप कर दिए हैं। अभी इस पौधे का पत्ता देखोगे तो इस पौधे से बाहर आ गया है। बात एकदम छोटी सी है पर विकृति तो है ना। हम अच्छा ब्रांड देख करके कि भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है, बहुत अच्छा पौधा है देख करके अगर ले रहे हैं, बहुत पुराना है, बट खेत में अगर ये विकृति है तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब इस प्लॉट का अगर पिलबाग रखा तो फिर कितना वेरिएशन आएगा, बहुत आएगा। तो ये कटेगा तब तक भी खड़ा भी नहीं। एक तो पहली बात कि यही कटने में 90 दिन लगाएगा, 3 महीने लगाएगा, क्योंकि फल अभी आ रहा है और माल भी कट रहा है। ग्राफ का जो मैं बतला रहा हूं, किसान पाठशाला ने जो पूरे भारत में R&D करके फाइनल डेटा निकाला है कि लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7, वो आपको इस फील्ड में दिखेगा। क्यों करना चाहिए, ये 100% एक्सपोर्ट क्वालिटी की फील्ड रेडी की हुई है। लाइन से लाइन 7, पौधे से पौधा 5 और डबल ड्रिप। बट फील्ड में गड़बड़ी है। आप लोगों के कुछ ये प्लॉट देख करके प्रश्न बन रहे हैं दिमाग में, तो बताओ उस पर चर्चा करते हैं। वो क्या है कि ये 7x5 ये इस साइड का जो है ना माप, वो ट्रैक्टर फिर 5 में चलता नहीं है। वो ट्रैक्टर चलाने के लिए हमें प्लॉट खराब करना है क्या? नहीं नहीं फेर क्या पड़ता है, मैं बदला तो फेर ये पड़ेगा कि जब लाइन से लाइन हम 5 फीट लेंगे तो पौधे से पौधा 7 फीट जाएगा तो गैप आएगी। और इस पौधे के सामने ये पौधा नहीं आएगा, ये जिगजैग में आएगा, आगे पीछे आएगा। अब जिगजैग में आएगा तो ये पौधा सराउंड ग्राफ लेगा, जिगजैग में आएगा। तो एक बड़ा फायदा है कि आपने बहुत अच्छी कंपनी का टिश्यू कल्चर लिया पर वो टिश्यू कल्चर ही गड़बड़ है जो यहाँ पर दिख रहा है। पर आपने ग्राफ सराउंड ले लिया तो हर पत्ते पर धूप जाएगी तो पौधा अपने आप में सस्टेनेबल हो जाएगा। फिर आपका खराब पौधा भी अच्छा परफॉर्म करेगा, एक चीज, क्योंकि ग्राफ सराउंड है तो उसमें मोटा पतला पतला मोटा ये नहीं आएगा। दूसरा, आपकी ड्रिप का बजट कम होगा, 5 फीट पर ड्रिप आएगी। ये बड़े फर्क है, वेरिएशन आपका खत्म होगा। आपने कोई सी कंपनी का भी रोप लिया या गठान लगाया बट आपने ग्राफ सही लिया है, सराउंड ग्राफ लिया है, तो आपके खेत में वेरिएशन नहीं आएगा। और जब माल काटने की बात आती है तो जब मल्ले में व्यापारी आता है तो वो बोलेगा हल्का भारी दिख रहा है, क्योंकि एक का फ्लावरिंग आया 1 तारीख को, 1 का फ्लावरिंग आया 15 तारीख को, 1 का फ्लावरिंग आया 30 तारीख को, तो हल्का भारी वेरिएशन। अब ये इतने अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मार्किंग भी लिखी है 11/2 दिखाओ, मतलब एक एक पौधे को ध्यान रख रहे हैं 11/2 को। कुछ इन्होंने कोड लगाया होगा कि कब इसका फल तोड़ा, क्या किया, बट आपका पौधा ही गलत है, ज्यादा साइकिल का है तो वेरिएशन आना ही है। ग्राफ ही गलत है, बजट ज्यादा लगाना मायने नहीं रखता है। अब ये केले में कितना अपना स्क्वायर फुट चाहिए? मिनिमम 35 स्क्वायर फीट। तो ये 35 स्क्वायर फीट है लेकिन गलत है। पौधे से पौधा पास में कर दिया तो एक पत्ता दूसरे पत्ते में घुस रहा है तो ये फिर लड़ाई करते हैं। जैसे फील्ड में हमने ट्रांसप्लांट किया पौधा, अब ज्यादा साइकिल आपने ले रखी है आपके टिश्यू कल्चर की तो वो मोटी टखनी पतली टखनी रहेगी, तो जिसकी मोटी टखनी वो पौधा स्पीड से चलेगा, पतली टखनी वाला धीमे चलेगा, ऐसा चलेगा ऐसा। और जब एक बार केनोपी भर लेता है 3 महीने 4 महीने में तो फिर ये पौधा जो छाव में आ गया, इसने केनोपी भर ली और ये पौधा छाव में आ गया, ये पतला पतला बढ़ेगा स्पीड से धूप लेने के लिए। ये पतला मोटा क्यों है मैं वो बतलाना चाह रहा हूं। जब पास में ग्राफ लेते हैं और वेरिएशन वाले फील्ड में ज्यादा साइकिल वाले पौधे रहते हैं जिन टिश्यू कल्चर कंपनियों के, और पास में ग्राफ है तो जिसका टखना मोटा है वो स्पीड से चलता है, जिसका टखना छोटा है वो धीमे धीमे चलता है, बट 3 से 4 महीने बाद पत्ते ओवरलैप होने लगते हैं, उस समय ये स्पीड से चलेगा क्योंकि इसको धूप चाहिए, वरना इसको लगेगा कि मैं छांव में मर जाऊंगा, रुक जाऊंगा, ये नेचर का सिद्धांत है। तो जब ये मोटाई लेकर के स्पीडली चल रहा है बट ये मोटा हो गया, इसके पत्ते चौड़े हो गए और ये छोटा है,
फिर इसको छाव मिलने लगी तो ये भगेगा पतला धूप लेने के लिए, तो ये पतला हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। जब माल कटन पे आएगा तो हल्का भारी दिखेगा, क्योंकि मोटे तने का फल अलग आएगा, पतले तने का फल अलग आएगा। ये बात एकदम छोटी सी है बट ये गौर करने वाली है। लक्ष्मण भाई से मिलकर के ये चर्चा करनी पड़ेगी कि कहां पर दिक्कत है, क्योंकि बहुत ज्यादा निवेश कर रहे हैं वो, साइजेबल इन्वेस्टमेंट करके अच्छी क्वालिटी चाह रहे हैं, बट इस तरह की फील्ड अगर करेंगे तो हमारा खर्चा पैसा शायद थोड़ा गलत दिशा में जा रहा है। इसमें और बेहतर किया जा सकता है, सोने पे सुहागा किया जा सकता है, काफी सारे रास्ते हैं जिन पे चल करके वन शॉट कटिंग। हमें एक ही प्लॉट में आगे पीछे माल नहीं काटना है, हमें प्लॉट अलग लगाना है, माल लंबा काटना है। सही बात। एक प्लॉट एक तारीख को लगाया तो दूसरा प्लॉट आप 20 तारीख को लगाओ, तीसरा प्लॉट आप 30 तारीख को लगाओ, 10-10 दिन का प्लॉट का गैप रखो, ना कि एक ही प्लॉट में हम लंबा काटे तो वो विकृति आएगी, वो दिक्कत है। ये बातें छोटी छोटी सी है, चर्चा करनी है लालजी भाई से भी। मैं खुद भी ये प्लॉट विजिट करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि लालजी भाई का फील्ड थोड़ा सा बेहतर है, बहुत अच्छी है, लेकिन पैसा जो लग रहा है उसकी वसूली उस बेस्ट तरीके से नहीं होगी जो सोच कर लगाया गया। आइए।